अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्ती डिश लेकर आई हूँ जो इंडिया पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है, चटपटी सी। ये जो है एक चाट है, लेकिन इसको जो है गोलगप्पा होता है छोटा, उसको बड़े साइज़ में बनाते हैं और वो बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत चटपटा होता है। बड़े बच्चे सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड है और वहाँ पर बहुत लाइक किया जाता है। और इसको इंडिया में राज कचौड़ी बोलते हैं। और पाकिस्तान में मैं गई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पर मैंने पहली दफ़ा देखा कि ये गप्पा घोटाला के नाम से बिक रहा था वहाँ मॉल में, तो मैंने खाया था, मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी ट्राई करूँ, आप लोगों को बना के दिखाऊँ। ये बहुत मज़े का बनता है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो चलें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैं बनाने जा रही हूँ आज राज कचौड़ी बोलते हैं इसको इंडिया में, और ये मैंने पाकिस्तान में खाया था। इसको वहाँ पे गप्पा घोटाला बोलते हैं। ये गोल गप्पे की तरह का होता है, काफ़ी बड़ा साइज़ में, मीडियम साइज़ में। और ये मैं आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखें आप लोग, मैं इसके लिए आटा गूंद रही हूँ। 1 कप आटा इसमें मैदा लिया है मैंने, और 2 कप के करीब जो है वो सूजी ली है। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाला है मैंने। ये मैंने 1 पिंच के करीब जो है इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा नीम गर्म सा हो उससे हम इसे गूंद लेंगे और इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये थोड़ा सा गर्म पानी है, नीम गर्म सा, और इसको बहुत गीला नहीं गूंदना है, बस जैसे आटा रोटी के लिए गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे हम इसे। ये आटा ये मैंने गूंद के रखा था 20 मिनट के लिए। देखें अब ये ऐसा हो गया, इतना ये देखें ऐसा सॉफ्ट हो जाता है। और हम लोग इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ये मैं उसके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, दरमियाने, ये बस इतने बड़े इसके पेड़े बनाऊँगी। ये देखें ऐसे ये अब हम इसे बेलते हैं। और ये बहुत पतली नहीं बेलेगी, इसको दरमियाना बेलिएगा कि बहुत पतली भी नहीं हो और बहुत मोटी भी नहीं हो, बस बहुत नॉर्मल हो, जैसे पूरी बनाते हैं। जैसे पूरी बनाते हैं, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, इसके कोने भी पतले मोटे नहीं होने चाहिए, और इसका ख्याल रखना है हमें। ये देखें, ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितनी बेलनी है? चार बनाऊंगी अभी। ऑयल देखें, चेक करना पड़ेगा कि गर्म है, तो जब ये गर्म होगा तो ये आटा फौरन ऊपर आ जाएगा। ये देखें ऑयल ऐसे गर्म होना चाहिए जब हम इसमें ये डालेंगे, तो हम जो है इसमें डालते हैं।
हम पलटेंगे, देखेंगे ब्राउन है या ब्राउन है, दोनों तक से ब्राउन होनी चाहिए। ये देखें हमारी पूरी दोनों तरफ से ब्राउन हो गई है, और इसे जो है हम ऐसे छन्ने में रख देंगे ताकि दोनों तरफ से इसको हवा लगे, और फिर ये जितनी देर आप इसको हवा में रखेंगे ना उतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे रख दूँगी और देखते हैं, आप जितनी देर रखेंगे आधे घंटे एक घंटे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। लेकिन इसको हवा में ये 1.5 कप के करीब आटा था, मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है नमक लिया था, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून घी लिया था। और ये पापड़ी के लिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। ये देखें ये आटा मैंने गून लिया है पापड़ी के लिए, ये ऐसी नॉर्मल जैसे आटा होता है हमारा रोटी के लिए जैसे हम लोग बनाते हैं, ये ऐसे ही आटा है। और इसको मैं रखूँगी 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद मैं पापड़ी फ्राई करूँगी। पानी कितना इस्तेमाल किया इसमें? पानी आप अपने हिसाब से, जैसे नॉर्मल आटा गूनते हैं वैसे मैंने 1 कप के करीब लिया था, लेकिन ये 1/2 कप के बराबर मैंने यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से जैसा, यानी जैसे ज़रूरत पड़े वैसे। हाँ, बस जैसे डो बनाते हैं ना रोटी के लिए, बस वैसे ही मैंने डो बनाया है। ये देखिए आटा मैंने जो पापड़ी के लिए गूंदा था ये रेडी है, और मैं इसे जो है पापड़ी बनाना शुरू करती हूँ। ये देखें ये मैंने इसको बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा बेलना है इसको ताकि आपकी जो पापड़ी है वो थोड़ी क्रिस्पी बने, तो इसको बहुत पतला सा बेलते हैं। तो ये देखें ये मैंने इसको इतना पतला सा बेल लिया है, अब मैं इसको काटूंगी। बाद लोग जो है इसे छोटे छोटे पेड़े बना के जो है वो बना लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक साथ ही बना लेती हूँ तो ऐसे ईजी रहेगा मुझे। ये ऐसे मैं काट लूँगी इसे, और एकदम पतली होगी तो आपकी क्रिस्पी बनेगी पापड़ी। ये देखें एकदम, ये देखें एकदम पतली है ये, बस अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। सही है। ये देखें ये इसे मैंने कट किया था, लेकिन ये बिल्कुल पतला नहीं हुआ, तो इसको मैं और ज़्यादा पतला बनूंगी। जितना पतला होगा उतना जो है ये क्रिस्पी बनेगी आपकी पापड़ी। ये देखें हमारी पापड़ी रेडी है चाट के लिए, देखें कितनी क्रिस्पी है। ये हमने चाट के लिए बनाई है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है।
अब ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। ये देखें हमारी ये पूरी भी बन गई है। ये अब मैं असेंबल करने जा रही हूँ गप्पा घोटाला जो है। इसके लिए सारी इंग्रेडिएंट्स ये मैंने पहले से तैयार की हुई थी। ये बाज़ लोग जो है इसमें दही बड़े बना के बेसन के डालते हैं। मेरे पास नीम को पड़ी हुई थी, ये मैंने पानी में बॉईल कर लिया है। ये पापड़ी मैंने घर में बनाई, इसकी रेसिपी आप लोगों को नज़र आएगी मेरी वीडियो में। और ये चने भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे। ये आलू हैं, ये मैंने बॉईल कर लिए थे। और ये तो मूंग की दाल और चेवड़ा नीम को मिक्स, ये थोड़ी सी डालेंगे। ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई है, ये इमली की मीठी चटनी है। इन सारी चटनियों की रेसिपी मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। और ये दही है, दही में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और चीनी डाल के इसको मिक्स कर लिया था। इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा पतला ऐसा बना लिया था। ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं। ये टमाटर और प्याज ही मैंने बारीक बारीक काट के रख लिए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ये सेव है, ये चाट मसाला है, ये लाल मिर्चें पिसी हुई, और ये ज़ीरा मिर्चा मैंने भून के पीसा हुआ है। ये है, ये सारी चीज़ें अब हम इसको बनाते हैं। देखें, ये देखें क्रिस्पी हो गया। ये इसको हम तोड़ेंगे, क्रिस्पी है, इसको तोड़ के हम अब इसमें हम नीम को जो मैंने बॉईल किए हुए थे ये डालती हूँ। पहले मैं ये डालूँगी, फिर थोड़ा सा इसमें चने डालूँगी मैं। आलू डालूंगी अब इसमें, बॉईल हुए हुए ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये थोड़ी सी ये दाल डालूंगी, चेवड़ा डालूंगी इसमें, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना मैं थोड़ा सा अंदर भी डालूंगी और फिर ऊपर से भी डालूंगी इसमें। मैं चटनी डालूंगी इसमें इमली की, थोड़ी सी अंदर और फिर मैं ऊपर से भी डालूंगी इसमें थोड़ी सी। ये हरी चटनी, और अब इसमें मैं दही डालूंगी। दही इसमें ज़रा ज़्यादा डाला जाता है, दही का ही मज़ा होता है इसमें। ये मैंने डाल दिया है, इसमें थोड़े से और आलू डालूंगी, थोड़े से और चने ऊपर से, और ये पापड़ी जो मैंने बनाई थी ये पापड़ी इसमें तोड़ के डालूंगी। और फिर ऊपर से थोड़ा सा और दही, दही ऐसे इसमें दही डाला। इसमें मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये हरी चटनी, इमली की चटनी, इमली चटनी डालूंगी इसमें। देखने में बहुत मज़ेदार है। हाँ, बहुत मज़े का बनता है ये। इसमें मैंने सेव डाली है, ये चाट मसाला,
थोड़ी सी लाल मिर्च है और ये जो जीरा मिर्च है मैंने पीस के रखे दिए है। ये देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए आपको दही और डालना है तो आप और डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। वाह, अभी खाते हैं ज़बरदस्त। ये देखें ये हमारे गप्पा घोटाला रेडी है खाने के लिए। ये लोग सब तैयार हैं खाने के लिए। लोग सो यमी मज़ेदार लग रहा है। तुम लोग सब हंगरी हो, तुम लोग ट्राई करो और फिर बताओ कैसा बना खा के। मीरा शामी बताओ कैसा बना। He's a judge. The first judge. Look at this judge. कैसा लग रहा है? Amazing. What do you think about the flavors, Mira? Very unique, delicate. आमिर तुम भी try करो. आमिर try करेंगे. Yo. शाम. मजे का है? बताओ. कैसा है? मिर्ची भी है, मीठा भी है. हाँ, इसमें मीठी चटनी भी डाली है। चटनी बहुत अच्छी बनी है। Really good. गाबोट सीट सीट। तो भाई सबको कैसा लगा ये? Very good. हम सबको बहुत मजा आ रहा है ये खाने में। आप लोग जरूर ट्राई करना घर पे। हैं? अपने लिए भी बनाए, अपने बच्चों के लिए भी बनाए, खुद मजे करें। और ये क्या रखा है? ड्रिंक कौन सा रखा है भैया? ये मैंने स्मूदी भी बनाई है। बबल स्मूदी डाल के ये बबल स्मूदी है। हम लोग आपको बहुत जल्द जो है बबल टी की रेसिपी भी देने वाले हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का रहा है। वीडियो बनाएंगे सून आप लोगों के लिए। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये बबल टी। ये आप भी ट्राई करें। सब लोग बोलो भाई अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हम लोग आपसे बहुत जल्द बहुत एक्साइटिंग रेसिपी के साथ मिलेंगे। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।